हेलो 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 फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि क्या आपके पार्टनर पे फिर से ट्रस्ट किया जा सकता है, कि आपके पर्सन वापस लौट के आए तो उन पे ट्रस्ट करना ठीक होगा, क्या वो बीच बीच में आके चले जाते हैं तो कभी कभी आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाता है, या बहुत टाइम से आए ही नहीं हैं, थर्ड पार्टी में हैं तो आपका एक विश्वास उठने लग जाता है। तो मैं उसकी सारी डिस्कशन अभी करूँगी भी, और भी सब बहुत सारी अच्छे टॉपिक लगे मुझे, किसी ने कमेंट में लिखा था तो मैंने सोचा यही टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ। और आज मैं आप लोग को ये कार्ड के थ्रू तो बताऊँगी और बाकी रिवीजन भी बताऊँगी कि ट्रस्ट इशू क्यों आते हैं और किसको कैसे हील करना है। देखो, बेस ऑफ द कार्ड सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स का मतलब है कि आप बार 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 सोच रहे हो कि ये पर्सन आए तो ऐसा वैसा, ऐसा किया तो, ऐसे किए तो, मतलब वैसे बिहेव किए तो, या वैसे किए मतलब कुछ ऐसा बोलेंगे तो, मतलब लाइफ हर तरह की नेगेटिव ऑप्शंस बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, नेगेटिव चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। सपोज़ ऐसा हो गया तो फिर से पास्ट रिपीट हुआ तो, फिर से मुझे छोड़ के थर्ड पार्टी में चले गए तो, या ये पर्सन फिर से ऐसे, क्या गारंटी है कि नहीं करेगा या करेगी, मतलब आपके ये क्वेश्चन बार बार क्यों आ रहे हैं। पहले खुद को क्वेश्चन पूछिए कि मेरे को क्वेश्चन मुझे बार बार क्यों आ रहा है, ये फैक्टर बार बार मेरे दिमाग में क्यों आता है, क्यों आप अपने पास, क्यों आप इतना उन पर ऑब्सेसिव भी क्यों हो, उनको देख के आपने उनके लिए रीडिंग क्यों देख रहे हो। आपको कहीं ना कहीं अंदर लव तो है ना, इसलिए आप रीडिंग देखते हो, आपको उनसे प्यार है, आप उनके लिए देखते हो, आप उनके लिए कंसर्न है, मतलब चुप भी समझो लव नहीं भी हो, आपको कंसर्न बहुत ज़्यादा है उनके लिए अभी भी, तो आप देख रहे हो ना ये रीडिंग, तो मतलब कहीं ना कहीं लव है, लेकिन उस पर ये बार बार ट्रस्ट इशू, फियर इशू, बार बार जो बोलते हैं फियर बोल लो, ट्रस्ट इशू बोल लो, जो भी बोल रही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया है। वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाने से क्या होता है कि आपको बार बार नेगेटिव, नहीं चाहते हुए भी आपके दिमाग में बार बार आता है, ये आपके सिस्टम में हो गया। जैसे हम बोलते हैं ना, बच्चे को हम साइकिल सिखाना बचपन में सिखाते तो सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती है, अपने आप अंदर साइकिल बैठते अपने आप चलाना सीख जाता है, खाना कैसे खिलाना बच्चे को सिखाते हैं तो वो बचपन से सीख जाता है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया, वो अपने आप खा लेता है। फिर वही बात हो गई आपके दिमाग में, क्योंकि आपके जैसे पास में आपके पसंद इतनी बार धोखा दे दिया या एक बार धोखा दे दिया, आपके दिमाग पे एक वो इंप्रेशन हो गया, तो वो उसको बोलते हैं कि आपके ना ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीप कहीं जाके बैठ गया, तो वो आप लोगों को हील करने की सख्त ज़रूरत है। सबकॉन्शियस हीलिंग सेशन लेना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको खुद को हील करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये आपके जितना हम बोलते हैं ना पॉजिटिव बोलिए पॉजिटिव बोलिए, हम पॉजिटिव बोलने के क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप जो यूनिवर्स में जो वाइब्रेशंस भेजोगे सब आपके पास रिटर्न वापस वही आएगी, सारा खेल वाइब्रेशन का एनर्जी का होता है। अगर आप नेगेटिव एनर्जी सबकॉन्शियस माइंड से बार बार आपकी जाती रहेगी तो आप बार बार वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे, आप ट्रस्ट इशू ही अट्रैक्ट करोगे, आपके पर्सन आएंगे तो भी वो आपके साथ में थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी में जाए, आपको ऐसा कुछ धोखा दे, क्योंकि आपका फियर आपका मैनिफेस्ट हो रहा है, समझ रहे हो, आपके वो ट्रस्ट जो आपको ट्रस्ट है, डिस्ट्रस्ट है आपके पर्सन पे, वो मैनिफेस्ट आप खुद ही कर रहे हो, क्योंकि आपके हाथ में ही पावर है सब कुछ, आप नेगेटिव पावर को ये जन्म दे रहे हो, तो आपको रिलीज़ करना है वो एनर्जी को सबकॉन्शियस माइंड में बहुत स्ट्रांगली, अदरवाइज आप बार बार वही लूप में फंसते जाओगे। इसलिए बोल रहे हो कि चक्रास के बाद में सबकॉन्शियस हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जस्टिस कार्ड आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि आपको रास्ता नहीं मिलेगा, डेफिनेटली रास्ता मिलेगा, आप चाहे सेशन किसी से लो चाहे मत लो, लेंगे तो बहुत जल्दी आप इस चीज़ से निकल पाओगे, अगर नहीं हो तो यूनिवर्स आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएगा कि ऐसा कुछ पॉजिटिव आपके साथ में करेगा, कि बार 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 पॉजिटिव होगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पॉजिटिव आएगी आपके फीलिंग की, हाँ कि ये पर्सन ऐसा नहीं करेगा, समझे, वो गॉड अपने आप करता है, लेकिन उसको फिर टाइम लगता है, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस होता है, फिर धीरे 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 सब कुछ होता है। और एक आधा होता है कि आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग कर रहे हो, वो सिस्टम से बाहर निकाल रहे हो, और वो खुद के लिए बेटर आपके लिए, क्योंकि नहीं तो बार बार आपको ट्रिगर मिलते रहेंगे, बार बार आपके साथ में ये प्रॉब्लम होता रहेगा, बार बार आप वो लूप में फंसते जाओगे, क्योंकि वो बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता है बाद में। और जस्टिस कार्ड डेफिनेटली होगा ही, ये जस्टिस मतलब आपको जस्टिस मिलेगा, आप मत सोचो कि आपके पर्सन आएंगे तो वो है ना, जब आप जिस दिन कंप्लीट हील हो जाओगे, और परमानेंट यूनियन का मतलब क्या होता है कि पर्सन एकदम चेंज होके आता है, वो पर्सन एकदम ट्रस्टवर्दी होता है, फेथफुल होता है, उसको बोलते हैं परमानेंट यूनियन। आप क्या जो बात कर रहे हैं ना, ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, ये आप क्या वो मिनी यूनियन, जो छोटे यूनियन आप लोग करते हो, आपके पर्सन आ जाते हैं बीच में एक दो बार बात करके भाग जाते हैं, तो आप उसको यूनियन समझ रहे हो, उसके बाद भी ये इशू चलते रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो इशूज़ चालू है, आपको आपके पर्सन पे फुल फेथ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हो
चक्रास बैलेंस करना शुरू करते हो, आपकी इम्प्योरिटीज बाहर निकलती है, वैसे 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 आपकी इम्प्योरिटीज जैसे बाहर निकल जाएगी, आप खुद बैलेंस हो जाओगे। आपको ये क्वेश्चन भी दिमाग में नहीं आएगा कि हाँ मेरे पर्सन ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। और ये जस्टिस बोल रहा है कि आपकी लाइफ में हर चीज़ बैलेंस होगा, मतलब इक्वल गिव एंड टेक, जैसे आप देना चाहते हो और आपके पर्सन को ट्रू लव, एग्जैक्टली ट्रू लव आपको मिलेगा, ये समझ के चलिए। क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर टावर मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, ऐसे बोलते हैं ना, कार्मिक्स के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू या किसी के भी थ्रू टावर मूवमेंट्स डेफिनेटली आएंगे। तो आप उसकी चिंता कि गॉड उनको लेसन सिखाएंगे, जब लेसन सीखेंगे तभी तो उनको ट्रू लव की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, तब वो आपसे ट्रस्टवर्दी भी हो जाएंगे, उनको ट्रस्ट का एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा कि ट्रस्ट का मुझे इस पर्सन के लिए फेथफुल रहना है, ट्रस्टवर्दी रहना, ये चीज़ उनको डेफिनेटली समझ में आएगी। अब किसी ने कमेंट में लिखा कि थर्ड पार्टी के साथ में गलत नहीं होगा अगर वो उनको भी धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन दोनों बाजू खेलता है। डेफिनेटली दोनों बाजू खेलते हैं ये पर्सन, क्योंकि मैनिपुलेटिव होते हैं ये पर्सन जो रनर होते हैं। लेकिन उनके पास टावर मोमेंट्स क्यों आते हैं लाइफ में? लेसन सिखाने के लिए ना। वो थर्ड पार्टी को चाहे, वो थर्ड पार्टी अगर वो आपके आपके साथ में उनका हाथ बंधा हुआ है, जोड़ी आपके साथ में बंधी हुई, तो वो थर्ड पार्टी के साथ में तो थोड़ा गलत होगा ही ना, अगर उनके साथ में गलत होना लिखा है तो। जरूरी नहीं कि हर टाइम आपके पर्सन ही थर्ड पार्टी के साथ में गलत करे, कभी कोई थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन के साथ में गलत कर देती है, समझा क्या कर देती है, कर देता है, तो सिचुएशन जैसी आपकी हो तो ना, आपके पर्सन अगर सपोज थर्ड पार्टी को धोखा भी दे रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ उनसे लेसन, वो धोखा मिलने के बाद में वो लेसन उनको भी तो मिलेगा आपके पर्सन को। ऐसा नहीं कि उसमें वो खाली थर्ड पार्टी को लेसन मिलता है, कि थर्ड पार्टी भी इक्वली इक्वल फ्लो से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि अगर वो उनके लाइफ पार्टनर नहीं है, पार्टनर नहीं है वो पर्सन, अगर आपके पर्सन उनको धोखा दे रहे हैं, उनके साथ आप सोलमेट जर्नी में भी हो या ट्विन फ्रेंड जर्नी में, कुछ वो भी जर्नी में आपके पसंद सामने वाले को थर्ड पार्टी को धोखा दे रहे हैं, तो थर्ड पार्टी अगर सपोज उनका लाइफ पार्टनर नहीं है तो वो भी इक्वल फोर्स से उनको वापस सबक सिखाएगा, ये टावर्स आपके पर्सन के ऊपर गिरेगा, समझ रहे हो आप? तो ये सीखना ज़रूरी है ना, क्योंकि आप जो चाहते हो कि इक्वल गिव एंड टेक हो, इक्वल ट्रस्ट हो आप दोनों का, वो तभी मिलेगा जब आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से या दूसरे लोगों से है ना, उनके ऊपर टावर मोमेंट्स गिरेंगे, उनका ट्रस्ट टूटेगा, वहाँ उनको धोखा मिलेगा या वो किसी को धोखा देंगे, फिर इक्वल फोर्स में उनको वो रिएक्शन मिलेगा, तभी आपके पर्सन को लेसन सीखेंगे। क्योंकि ये पर्सन एम्परर ढीठ है, ये ढीठ लोगों को ऐसे ही भगवान सिखाता है, आप समझ के चलो कि सामने जो पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है, वो उनको बहुत ना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, और आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो गए, अभी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो गए, अभी भी आप भी बहुत तीखा ना तीखा बोल सकते हो, आपके अंदर जो पावर नहीं था वो पावर आ गया, आप खुद फील कर सकते हो आपके अंदर चेंज इनर वर्क के बाद में, वो आपके अंदर पावर ऑटोमेटिकली आ रहा है, आपका फाइनेंशियल पावर बोल लो, चाहे आपका इंडिपेंडेंट का इंडिपेंडेंस, इमोशनल इंडिपेंडेंस का पावर बोल लो, या आपके है ना किसी पे को डिपेंडेंट नहीं होने का, मतलब इमोशनल फाइनेंशियल बोलते हैं ना, फिजिकल कोई भी आपकी जो डिपेंडेंसी तो वो निकल चुकी है, आपकी वो इंडिपेंडेंस आ गई है, तो आप भी एक पावरफुल पर्सन फील कर रहे हो अपने आप के अंदर, ये फॉर डेफिनेटली फॉर श्योर है। तो ये चीज़ आपके अंदर चेंज आ रहा है, और यही आपके पर्सन पे आप कम्प्लीटली ये ट्रू लव होगा आपका, जो भी आएंगे आपके पर्सन वापस रिटर्न होके, आप उन पे कम्प्लीट फेथ कर सकोगे, जब परमानेंट यूनियन होगा आपकी, शादी जैसे आप शादी तक शादी कर रहे हो उनके साथ में, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जा रहे हो, सन काट रहे हो, तो ये डेफिनेटली एक ट्रस्टवर्दी रिलेशन होगा, ट्रू रिलेशनशिप होगा, क्योंकि ये पर्सन को टावर मूवमेंट से लेसन सीखे हैं उन्होंने, इसलिए वो ट्रस्टवर्दी होने लायक हो जाएंगे, नहीं है तो हो जाएंगे। इसलिए आपको ये बार बार क्वेश्चन आ रहा ना, उनको हील कीजिए सबकॉन्शियस माइंड को, और ये नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, जब तक नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ नहीं करेगी आप उस वही चीज़ अट्रैक्ट करते रहोगे। इसलिए आपको बार बार बोला जा रहा है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग कीजिए, अपने है ना कर्मा क्लिनजिंग कीजिए, कर्मा क्लिनजिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है, कि जब तक कर्मा क्लियर नहीं होते पर्सन सामने वाला आपके ट्रस्टवर्दी होता नहीं है, आपकी तरफ पूरी तरह से आते नहीं है। देखो हीलिंग लाइट, हीलिंग एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, स्पिरिट्स भी बोल रहे कि हील करने से, हील करेंगे ना, हीलिंग लाइट, हीलिंग करने से सब कुछ पॉसिबल है। आप ये सिचुएशन खुद के अंदर हील कीजिए, आप जब खुद तो हर किसी को ट्रस्ट करना सीख जाओगे, हर इंसान पे भरोसा करना सीख जाओगे, तब वो जाके सामने, आप सामने वाला कैसे बिहेव कर रहा है वो छोड़ दीजिए, आप अपने आप को चेंज कीजिए, सामने वाले को चेंज करने का ठेका आपने नहीं लेके रखा है, सामने वाला अपने आप चेंज होगा, आप अपनी वाइब्रेशन तो चेंज कीजिए, आप अपनी वाइब्रेशन चेंज करेंगे डेफिनेटली वो सामने वाला भी ट्रस्टवर्दी हो जाएगा, सामने वाला भी हील होने लग जाएगा, आप हील होंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है खुद पे काम करना, बहुत ज़रूरी है। जो बिहाइंड द मास्क आपके पसंद जो मास्क पहन के रखे आपको पता नहीं है अभी तक, वो मास्क आपको उतरेगा ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ ट्रस्टवर्दी, ग्रेट अचीवमेंट आपको लगेगा
कि बहुत ये पर्सन है ना ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि उन्होंने आपका अपना ट्रू सेल्फ अभी तक आपको क्लियरली दिखाया नहीं है, आपको अभी भी लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी में है, वो धोखेबाजी कर रहा है या कर रही है, वो ऐसे है वो ऐसे है, ये सब नेगेटिव थॉट्स दिमाग में निकाल चुके, अभी भी उन्होंने अपना ट्रू लव का मास्क आपके पर दिखाया नहीं, वो पहन के रखे हैं, वो अपना पूरा वो इतने वल्नरेबल अभी बने नहीं है कि आपको अपना ट्रू साइड दिखाए, क्योंकि अभी तक वो आपसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का जब दिन सोचेंगे ना आपके पास कम्प्लीटली आना है कि आपके उस दिन जिस दिन मन मना लेंगे ये पर्सन अपना मास्क भी उतार देगा और अपना ट्रू लव और ट्रस्टवर्दीनेस भी दिखाएंगे, और तब आप ग्रेट ग्रैटिट्यूड, आपका ग्रेट ग्रैटिट्यूड का कार्ड आ रहा है, गॉड को आप इतना ग्रैटिट्यूड पे करोगे ना, इसलिए कॉन्शियसली अभी भी ग्रैटिट्यूड पे कीजिए यूनिवर्स को, कि आप अगर ग्रैटिट्यूड पे करोगे तो आपको ना वापस रिटर्न में वही मिलेगा, तो आप और ग्रैटिट्यूड पे करोगे जब आप इतना ट्रस्ट वर्दी पर्सन आप देखोगे या इतना लविंग पर्सन आप देखोगे तो आपको समझने आएगा कि हाँ कि मैं क्या गलत कर रहा था या क्या गलत कर रही थी, आपको पूरी तरह से पिक्चर क्लियर होगा, क्योंकि आपका माइंड में पिक्चर क्लियर नहीं है क्योंकि आप अभी तक हील नहीं हुए हो, इससे आपको इस तरह के क्वेश्चन दिमाग में बार बार आ रहे हैं। मैंने आपको कितनी बार मेरी रीडिंग्स में बोला है, जब आपके दिमाग में बार बार इस तरह के नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं तो मतलब आप अभी तक अंदर से हील नहीं हुए हो, आपको हील करना है अपने आप को, हील करोगे तभी होगा। इसमें ड्रैगन कार्ड आ रहा है, उसमें ड्रैगन फ्लाई भी आ रहा है, डिस्कवर योर करेज, अपने हिम्मत आपके अंदर है तो अपनी हिम्मत को बाहर निकालिए, अपने जो हिम्मत करके खुद पे ट्रस्ट कीजिए, जब खुद पे ट्रस्ट करेंगे सामने वाले पे भी ट्रस्ट करने की हिम्मत लेके आइए, तो वो ट्रस्ट ऑटोमेट वो करेज अपने आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलप होगा ना, तो ये सब फियर आपके जो है ना ये वो ट्रस्टवर्दी है नहीं है ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में आने बंद हो जाएंगे। कॉम्पिटिशन समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको बार बार यही बोल रहे हैं, आपके खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए, सेल्फ लव लाइए, सेल्फ ट्रस्ट लाइए, आपको ऑटोमेटिकली ये सब क्वेश्चंस आना बंद हो जाएंगे। और सपोज आपको अपने आप को थर्ड पार्टी से कंपेयर करें तो वो तो सबसे पहले बंद करना आपको, थर्ड पार्टी से कंपेयर करना, क्योंकि लुक्स वगैरह से कंपेरिजन नहीं होती है कभी भी, क्योंकि ये सोल टू सोल कनेक्शन होता है, चाहे सोलमेट हो चाहे ट्विन फ्लेम हो, तो वो कनेक्शन जो तार दिल के बंधे होते हैं ना वो एक दूसरे को खींचते हैं, ना कि किसी के रूप रंग या किसी का है ना स्टेटस या कुछ ऐसा कुछ ऐसी चीज़, ये चीज़ें नहीं जोड़ती हैं दो दिलों को, दो दिलों को सिर्फ दिलों के तार ही जोड़ते हैं, ये आप समझ के चलिए। यू नो योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड, आपके ये चिल्ड्रंस आर प्रोटेक्टेड, अगर आप सपोज आपके है ना दो आप मैरिड हो, आपके चिल्ड्रंस के लाइफ के जो इन्वॉल्व है तो आपके चिल्ड्रंस डेफिनेटली प्रोटेक्टेड, सपोज आप दोनों ही अनमैरिड हो लेकिन आपका इनर चाइल्ड जो अंदर है उसको आप है ना आपका प्रोटेक्टेड है, ऐसा नहीं कि प्रोटेक्टेड नहीं है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इनर चाइल्डहुड वूंड्स भी फेस करके आए होते हैं, हो सकता आपके पर्सन के साथ में लाइफ में ना बचपन में ऐसा कुछ बहुत हुआ होगा जो बचपन में बहुत धोखे मिले होंगे फ्रेंड से रिलेटिव से, घर में ऐसी सिचुएशन होगी उनके से दिमाग में इस तरह से बैठ गया है कि सबको धोखा दे के ही मैं जीत सकता हूँ या जीत सकती हूँ, इसलिए वो इस तरह से भी बिहेव करते हैं, तो उनकी सबकॉन्शियस हीलिंग कब होगी, जब आप अपने खुद की करेंगे, क्योंकि आपके दोनों के कॉन्शियस कनेक्टेड है चक्रास कनेक्टेड है, तो खुद की हीलिंग कीजिए तो डेफिनेटली आपके पर्सन की भी हीलिंग ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि ये घाव जो होते हैं ना बहुत गहरे होते हैं और बचपन के होते हैं तभी इंसान इस तरह से बिहेव करता है। लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, ड्रैगन फ्लाई मतलब ना अपनी लाइफ को फुलेस्ट लिव कीजिए, मतलब किसी भी सिचुएशन हो खाली रोते नहीं रहना है, इन्जॉय करना है लाइफ को, आप वो इन्जॉयमेंट में आइए, सेल्फ लव में आइए, कोई भी सिचुएशन हो आप गॉड पे सरेंडर कर दीजिए कि हाँ गॉड इज़ ऑलवेज देयर विथ मी, समझ रहे हो, वो फेथ के साथ में आगे चलिए और अपने पर्सन पे आपको वो फेथ ऑटोमेटिकली डेवलप होगा, किसी के दिलाने से नहीं होगा ना, मेरे दिलाने से या किसी और के दिलाने से या टैरो रीडर से या एस्ट्रोलॉजर के वजह से आएगा, वो आपके अंतरात्मा आपको बोलेगी वो, और तभी आप ये हैप्पी भी फील करोगे, समझ रहे हो इस तरह से। तो ये आपकी रीडिंग आज की है, होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि आपके पर्सन आपको ट्रस्टवर्दी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, खुद को हील कीजिए सब कुछ हील हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।